हमारी टीम दुर्ग से कांग्रेस के सांसद ताम्रध्वज साहू के गोद लिए गांव मचांदुर में पहुंची। गांव में पहुंचकर हमने अजीब ही नजारा देखा। पहली नजर में ये गांव वाकई एक आदर्श ग्राम नजर आता है, लेकिन पड़ताल करने पर यहां के विकास के दावों की पोल खुलती नजर आती है। इस गांव में पहुंचकर हमने देखा कि यहां डिजिटल सेवा केंद्र, जहां से पूरे गांव को फ्री वाईफाई मिलता है, लेकिन यहां हमें ताला बंद मिला। इसके बाद हमने देखा कि अस्पताल के नाम पर एक शानदार इमारत बनी है, लेकिन यहां भी हमें ताला ही मिला। हम यहां के पुलिस चौकी भी गए, वहां भी ताला मिला। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत के दफ्तर में भी हमें ताला ही मिला। इस गांव में फ्री वाईफाई के बारे में हमने लोगों से पूछताछ की, लेकिन गांव के अव्वल तो किसी को भी फ्री वाईफाई के बारे में पता नहीं था। जिसको पता था उन्होंने यही बताया कि उन्हें फ्री वाईफाई नहीं मिलता, मतलब इस गांव के लिए फ्री इंटरनेट सेवा सिर्फ कागजों पर है। वाईफाई का मतलब सर? वाईफाई तो है कि नहीं, मेरे को एकदम परफेक्ट नहीं बता सकता। ग्राम पंचायत में है बताते हैं, वो भी नहीं मालूम मेरे को। अभी तक तो इसके बारे में पता भी नहीं हम लोगों को। और अब जरा यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हकीकत भी जान लीजिए। यहाँ के अस्पताल के बारे में लोगों ने बताया कि ये अस्पताल कभी कभी ही खुलता है, और खुलता भी है तो यहाँ इलाज नहीं मिलता। अब आज बंद है तो व्यवस्था से नहीं है, इसीलिए बंद होगा। जरूरत के समय मिलता ही नहीं कि कितना टाइम आदमी रहेगा इमरजेंसी में, वहाँ पे कोई मिलते ही नहीं। यहाँ विशेषज्ञ नहीं है, अगर ज्यादा इमरजेंसी हो गया ना तो उतई लेकर जाना ही पड़ता है, क्योंकि ये लोग खुद बोलते हैं कि उतई रिफर करो, यहाँ से आप लेके जाओ। कुल मिलाकर इस गाँव में पड़ताल करने पर हमें विकास या तो कागजों में मिला या फिर ताले में बंद।